हेलो डियर स्टूडेंट्स आज जो हम करेंगे वो है एडवर्ब्स एंड वेलकम टू माय चैनल मैं आपको इसमें एडवर्ब्स कराऊंगी क्लास सिक्सथ की ये बुक है इसके अंदर जो एडवर्ब्स की एक्सरसाइज जो बच्चे नहीं कर पाए हैं क्लास में और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आजकल तो अगर उनका कुछ छूट गया है तो वो देख सकते हैं अगर कहीं पर उनको कुछ पूछना है तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इसे पूछ सकते हैं ठीक है तो मैं आपको अब आप फास्ट फास्ट बता देती हूँ जल्दी से कि कैसे हम जो है एक्सरसाइज करेंगे तो माई पेरेंट्स ऑफन गो टू द थिएटर तो ये जो ऑफन है इसमें बता इसे मैं बताने।, बताने कि कौन सा एडवर्ब है तो माई पेरेंट्स ऑफन गो टू द थिएटर तो ऑफन क्या हो गया इसमें एडवर्ब हो गया और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी वाला जिसमें कि ऑफन ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं ठीक है ना तो ये साथ में एक टेबल भी बना है उसमें लिखा है कि कौन से फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं ऑफ वन रेयरली ऑलवेज समटाइम्स ठीक है ना नेक्स्ट देखो वी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे यस्टरडे क्या है एडवाब ऑफ टाइम ठीक दीक्षा वर्कड आउट ऑफ द मीटिंग तो इसमें क्या है आउट एडवाब ऑफ प्लेस रिया पी रेयरली मेक्स मिस्टेक्स रेयरली ये जो है जब एलवाई लग जाए ना तो उसका मतलब ये एडवाब ऑफ मैनर है द बॉयज वर प्लेइंग देयर देअर क्या के? Adverb of, क्या एडवर अब ऑफ प्लेस इज एज रोनाल्डो रन फास्ट टू किक दॉल तो फास्ट क्या हुआ है इसमें एडवर्व एडव अब ऑफ मैनर ही ऑलवेज ड्राइव्स केयरफुली केयरफुली क्या हमारा एडवर अब ऑफ मैनर ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा नहीं पता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं इसके पूरे वीडियोज़ बनाऊँगी आपको एडवर्ब्स की क्लियर करने के लिए बाद में अब तो एग्जाम का टाइम चल रहा है तो इतना टाइम नहीं है आपके पास समझ लो फटाफट से ही डज नॉट टॉक मच बताना है एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है तो ये हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि टॉक मतलब बोलना ये क्या है इसके अंदर बोलना क्या है इसमें एड वो है नाउन है तो मच इंडिकेट कर रहा है टॉक को तो अगर इंडिकेट करे किसी कोई वर्ड जो है एड नाउन को इंडिकेट करे तो एडजेक्टिव बन जाता है तो मच क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव इसी तरह से ये जो हार्ड है राम वर्क रियली हार्ड हार्ड क्या है रियली really हार्ड कौन वर्क कर रहा है वर्कस है मतलब वर्क मतलब काम तो यहाँ पे काम भी क्या है नाउन तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव इसी तरह से माय हार्ड वर्क मेरा माय हार्ड वर्क वर्क भी यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है हमारा नाउन की तरह तो माए हार्ड वर्क भी ये भी क्या है एडजेक्टिव है ठीक है ना इसी तरह से आप आ जाओ नेक्स्ट पर ही वो कप अर्ली तो देखो अर्ली कौन अर्ली किसके लिए आ रहा है वो कप के लिए जो क्या हमारा वर्ब है तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ठीक है इसी तरह दूट इन अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन में क्या है किसकी बात हो रही है खड़े होने की तो वो क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब इट वॉज रेनिंग हेविली हैविली क्या हो रही है रेनिंग हो रही है तो एडवर्ब क्योंकि ये वर्ब को इंडिकेट करते हैं जो वर्ब को इंडिकेट करते हैं वो एडवर्ब बन जाते हैं ठीक है जो नाउन को इंडिकेट करते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स तो फास्टेस्ट किसको दिखा रहा है रनर्स को तो रनर्स कौन तो है नाउन तो इसलिए ये एडजेक्टिव है ठीक है आप देखो आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आओ तो अगली एक्सरसाइज है हमारी ये वाली माई मदर विल लीव फॉर डेली इसे बताने अंडरलाइन द एडवर्ब्स है ना तो माई मदर विल लीव फॉर डेली इन द मॉर्निंग दो मॉर्निंग आ गया तो अबब ऑफ टाइम वेट फॉर योर टर्न पेशेंटली पेशेंटली क्या है एड अब ऑफ बैनर द इलेक्ट्रिशियन फाउंड द प्रॉब्लम इजली इजली क्या है एट अबब ऑफ बैनर द प्लेस देअर्स द बेस्ट आइसक्रीम्स दो प्लेस देयर दे आर आ गया देर क्या गया एडब ऑफ प्लेस इसमें ही इज आउटसाइड आउटसाइड आ गया एडब ऑफ प्लेस आई ऑफ़न ऑफन क्या आ गया एडअब ऑफ फ्रीक्वेंसी माई सैलरी इज इनक्रीज क्वार्टरली क्वार्टरली मतलब टाइम की बात है तो एडअब ऑफ टाइम क्वार्टरली एडव ऑफ टाइम ही प्लेस द गिटार वेरी वेल या वेरी नाइसली वेरी वेल भी लगा सकते हो ही प्लेस द गिटार वेरी वेल वी डोंट ईट आउट ऑलवेज लिख सकते हो शी इज वेरी टेम्बड है ना शी बिहेव्ड डैश रैशली शी बिव वेरी राशली है ना याद कर लो जो आपके ये आएंगे डिग्री ऑफ फ्रिक्वेंसी ये इतने ही आते हैं टू मच रेदर ये वर्ड्स ही ज़्यादातर आते हैं डू यू नो डैश डू यू नो वेन द चीफ गेस्ट वेल अराइव शी वर्क्स वेरी हार्ड वेरी हार्ड आई वॉज टक एंड ट्रैफिक फॉर लॉन्ग डैश आई मिस्ड द मीटिंग सो कह रहे हैं सो आई मिस्ड द मीटिंग ठीक है नेक्स्ट देखो अगली एक्सरसाइज साइज कौन सी है इसकी uh, इस पर आ जाओ आगे नीचे है ना इन सेंटेंसेस को लिखना है तो योर फैमिली मस्ट गेट द टेस्ट डन तो ऑल्सो लगाना है तो आप क्या लिखोगे योर फैमिली मस्ट ऑल्सो गेट द टेस्ट डन

We go swimming. We never go swimming. ठीक नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज है हमारी हाँ ये टेबल के ऊपर बेस्ड है ठीक है ना? जैसे ही हारडली लेफ्ट द मीटिंग बिफोर noon. तो ही लेफ्ट द मीटिंग हारडली बिफोर noon. क्योंकि manner पहले आएगी तो उसके बाद ये frequency और टाइम ठीक है ना तो हरेडली बिफोर लोन यस्टरडे ऐट द फेयर ही सोल्ड ऑल द गुड्स क्विकली ही सोल्ड ऑल द गुड्स पहले मैनर वाला देखो क्विकली एट द फेयर फिर प्लेज आएगी फिर या का यस्टरडे ठीक है ना ही सोल्ड ऑल द गुड्स क्विकली एट द फेयर यस्टरडे क्योंकि हमें इस टेबल के हिसाब से चलना है पहले एडवाब ऑफ मैनर फिर एडवाव ऑफ प्लेज फिर एडवाव ऑफ टाइम ठीक है न लास्ट नाइट आई अरेंज द पार्टी एट टू वंस तो आई अरेंज द पार्टी एट वंस लास्ट नाइट क्योंकि ये क्या फ्रिक्वेंसी है और ये हमारा टाइम है तो पहले फ्रिक्वेंसी आती है फिर टाइम आता है आफ्टर द कोर्ट्स ऑर्डर द पुलिस रिलीज हिम इमीजिएटली है ना तो क्या लगाएंगे इसमें द पुलिस रिलीज हिम

कैसे मैनर आएगा पहले तो दिस लेफ्ट साउंडली मैनर आ गया साउंडली फिर प्लेस आएगी इन द होटल एट नाइट दिस लेफ्ट साउंडली इन द होटल एट नाइट ठीक है देखो पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम आवर नेबर्स लाउडली प्ले म्यूजिक एवरी डे है ना तो आवर नेबर्स प्ले म्यूजिक लाउडली मैनर आ गया एवरी आवर नेबर्स प्ले म्यूजिक लाउडली एवरी डे ही इज रेडी ऑलवेज टू हेल्प एस ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस ठीक है न अब आगे के देखो एक्सरसाइज कौन से आगे आ, ये है नेक्स्ट द लुबना इज वेरी जनरस जनरस का जनरसली फ्लुएंट का फ्लुएंटली एंगरी का एंगरीली लिखोगे रेयर का रियरली really कर लोगे ठीक है ये एडवर्ब्स बन जाएंगे ये एडजेक्टिव से रखें ये एडजेक्टिव से रखें इनके एडवर्ब्स बन जाएंगे ऐसे ठीक है नेक्स्ट इसी तरह से आगे है हमारा शाई का शायली गुड का यहाँ पे वेल आ जाएगा ठीक है ना क्योंकि दिस वॉज अ गुड परफॉर्मेंस शी परफॉर्म वेल द टीम वॉज फाइंड वॉज स्लो ओवर वेट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लो का द टीम वॉज फाइंड फॉर बॉलिंग स्लोली ठीक नेक्स्ट देखो इसके बाद आते हैं ये ही ऑफन विजिट्स न होम फॉर द एल्डरली नॉट आइडेंटिफाई द एडवर्व इन द गिटीफाई तो क्या है ये मैनर है Curse ये भी मैनर है द इंटर वॉज डाउन हैंस आ गया हैंस क्या है हमारा उसका रीजनिंग वाला ठीक है ना लास्ट वाला एडवर्व ऑफ रीजनिंग वाले में द चिल्ड्रन वॉक्ड फास्ट फास्ट आ गया ना हमारा इसके अंदर तो मैनर में आ गया है ना ही वेटेड इम्पेश ये भी मैनर है इम्पेश दिशा वेट्स देयर देअर आ गया देयर का मतलब एडवाब ऑफ प्लीज द फूड इज टू स्पाइसी स्पाइसी क्या है हमारा एडवाब ऑफ मैनर इसी तरह ये देखो आई एम गोइंग टू टेल यू समिंग वेरी इंपॉर्टेंट वी सो प्लीज प्लीज़ लिसन केयरफुली ठीक है ना क्या कहते हैं केयरफुलिसनू यू हैव डन नाइसली या परफेक्टली कुछ भी लगा सकते हैं ऊपर वालों के बनाने ना यू हैव डन परफेक्टली वेल कहते हैं यू हैव डन परफेक्टली वेल तो इसमें हमने को यू हैव डन नाइसली यू हैव डन बस यही आएगा है ना मेन तो, तो शी नोडेड यहाँ पर स्लीप ऑर्डर रखा है तो शीन नडेड स्लीपली लिख सकते हो क्योंकि नींद में किसी ने ऐसा ऐसा नॉड कर दिया है ना द डेकोरेशन हैज़ बीन डन नाइसली या क्लियरली है ना ये लगा सकते हो शी इज एंड गुड एट मैथेमेटिक्स बट शी यहाँ पे तो आपका सर हार्डली ही लगेगा हार्डली आएगा वर्ड क्योंकि एनी एर का होता है ना उसके साथ हार्डली चलता है ठीक है हार्डली आएगा दिस टास्क हैड बीन क्या तो क्लियरली अटेम्प्टेड लगा दो है ना क्लियरली अटेम्प्टेड द मदर रॉक द बेबी टू स्लीप कैसे जाए नाइसली या जेंटली शी परफॉर्म डैश तो शी परफॉर्म्ड पुअरली भी आ सकता है पुअरली इन हर एनुअल टेस्ट वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द मेल इमीजिएटली आ जाएगा द मैन सॉफ्ट बिटरली सॉप्ट कैसे करते हैं बिटरली आता है ठीक है नेक्स्ट देखो यू कैन लर्न मैथमेटिक्स ईजली इफ यू प्रैक्टिस इन स्पीक क्लियरली होता है सो दैट द जजेस कैन अंडरस्टैंड यू अरानी हैज बेग्ड द केक परफेक्टली He is learning fast. Anna can rarely be found in the music room. She goes upstairs to her favorite corner. Priya missed an important test today. Anna, she is probably ill. I am sorry to hear that. Satvik spoke to uh, spoke to you. Uh, देखते हैं आगे सेंटेंस के ही डज नॉट टॉक हाँ तो रूडली आएगा यहाँ पे रूडली ही नॉर्मली ही नॉर्मली डजेंट टॉक दैट वे रवि इज सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द कोल्ड वेदर सो ही इज़ कंफर्टेबल यू हैव टू वॉक केयरफुली एज अ फ्लोर इज स्लिपरी अरेंज द बुक्स नीटली इन द एलोबेटिकल ऑर्डर We have to leave. Dash. We have to leave. Dash. We have to leave early. Early. So, thank you. Thank you for watching my video.